कैसे हो आप लोग? आज की वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं एक बैटरी को। बैटरी यानी आप मोटरसाइकिल की कह सकते हो, जहाँ पर कह सकते हो आप एक स्कूटी की। ठीक है, मैं आपको बैटरी दिखा देता हूँ कि बैटरी मैं कौन सी लीड एक्सिड बैटरी, कोई भी लीड एक्सिड बैटरी खराब है, 6 वोल्ट से 12 वोल्ट कोई भी एम्पियर की हो, आप रिपेयर कर सकते हो घर पे आसानी से। ज़्यादा मतलब आपको काम करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बैटरी दिखा देता हूँ। तो बैटरी आपने देख ली है, तो बैटरी पे यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल्कुल ख़राब है, तो बिल्कुल ख़राब है। तो वोल्टेज मैं आपको चेक करा देता हूँ, 220 पे रख देते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ दिखा दूंगा। ठीक है ना, तो एक बार इधर भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए एक बार बैटरी पर देखिए, ये हमने पॉजिटिव पर लगाए और जैसे हम इसको नेगेटिव पर लगाते हैं तो लगभग 1 वोल्ट, ठीक है ना, लगभग 1 वोल्ट हमें देखने को मिल रहा है। यानी काफ़ी चांस है कि ये सही हो जाए। ठीक है ना, कोई भी आपसे लीड एक्सिड बैटरी खराब होगी ना, वो वोल्टेज जरूर दिखाएगी लेकिन वो अपना बैकअप नहीं देगा। ये प्रॉब्लम अलता होती ही है। तो आज के लिए मैं आपको यही मैं रिपेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले इसके मैंने टेप लगाई क्योंकि मैंने इसको पहले भी रिपेयर किया था, मुझको आदत हो गई है बैटरी रिपेयर करने की। ठीक है ना, लेकिन जिस तभी हो नहीं पाई थी, अभी ये हो जाएगी। तो इस टेप को मैं हटा लेता हूँ। इसके अलावा हमें चाहिए होगा यहाँ पर एक पेपर, और पेपर की हेल्प से यहाँ पर इसका, तो यहाँ पर देखिए जी काफ़ी मतलब हमने इसका कैप खोल दिया, टेप उतार देते हैं और इसके अंदर जे मुझे नहीं पता क्या, तो इसको मैं हटा लेता हूँ। तो हटा लेते हैं यार, तो इस तरीके से इसको हम साफ कर लेते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों ने इस कचरे को निकाल दिया ना, तो मैं भी कर लेता हूँ जल्दी से क्योंकि ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगेगा। और ये वॉइस रिकॉर्ड मैं बाद में कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियो के साथ साथ एक सॉन्ग प्ले हो रहा था। ठीक है ना, तो मुझे लगता था ज़्यादा वॉल्यूम उसकी आ रही थी, तो मुझे लगता था कि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगी, इसलिए मैंने दोबारा इसको मतलब वॉइस रिकॉर्ड की है। तो इसकी वजह से ये दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये ब्रश के हेल्प से मैंने इसका जितना भी कचरा था वो निकाल दिया। तो मैं जैसे आपको बताया कि मैं दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ बोल और रहा हूँ वीडियो में, लेकिन यहाँ पर कुछ और आपको बता रहा हूँ, लेकिन काम की चीज़ बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए, हमने जितना भी इसको करना था साफ कर चुके हैं। ठीक है ना, इसमें काफ़ी कचरा भी निकला। तो हम क्या करेंगे अभी, इस बैटरी को तेजाब जो भी इसका पुराना है वो निकालेंगे। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, ठीक है ना, तेजाब निकालना पड़ेगा क्योंकि ये अपना जो भी बैकअप देगी वो उसी तेजाब की हेल्प से देगी, लेकिन इसके अंदर जो है ख़राब तेजाब है, यानी कि गंदा तेजाब है। तो हम यहाँ पर एक कपड़ा ले लेते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे टेबल पर कोई कचरा पड़े ही। इसको बैटरी को इस तरीके से रखने के बाद इस तरीके से हिलाना है, जैसे कि कोई आपकी मम्मी जब रोटी बेलती है तो कुछ इस तरीके से ही बेलन को घुमाती है, तो आपने भी इस तरीके से ही करना है। ठीक है ना, या फिर मतलब इस तरीके से आपको हिलाते रहना है जितनी जल्दी आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए पानी हल्का हल्का आ रहा है, पानी नहीं है तेजाब है, टी मत लेना वरना गला ख़राब हो जाएगा। गला ख़राब हो भी जाएगा आपकी आवाज़ जाने का भी ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि ये तेजाब है पानी नहीं है। तो कपड़ा नीचे रख के ऊपर की हेल्प से मैं ऊपर ब्रश की हेल्प से मैं इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था उसको सोख लिया हूँ, और बैटरी एकदम ड्राई कर ली है हमने। अभी आपको करना क्या है वो सुन लीजिए। तो यहाँ पर जो भी मैं बोल रहा हूँ उस बोलों पर मत जाना, जो मैं आपको ये वीडियो में बता रहा हूँ वो देखिए, मेरे हाथ पे तेजाब लग गया था और काफ़ी जलन हो रही है, तो मैंने हाथ धो लिया है। आप प्लीज़ यार ग्लव्स डाल देना, ये काफ़ी ख़तरा हो सकता है इसमें, क्योंकि तेजाब है तेजाब, ठीक है ना, पानी नहीं है तेजाब है, तो आपको पता ही होगा यार इतनी सी बात, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या करना, मल्टीमीटर से मैं इसका वोल्ट चेक कर लेता हूँ। तेजाब हमने निकाल लिया है, तो स्टार्टिंग में ये 1 वोल्ट शो कर रहा था, तो इसकी गंदगी निकालने के बाद ये कितने वोल्ट शो कर रहा है हम वो देखने वाले हैं। लाइव प्रूफ होगा, आपके सामने होगा, तो आप देख ही लेना यार। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमने क्या करना, कि पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगा दिया और नेगेटिव को नेगेटिव में लगा दिया, सिंपल सी बात है। तो 1 वोल्ट पहले शो कर रहा था गंदगी निकालने के बाद, ये लगभग 3 वोल्ट शो कर रहा है, जो कि आप लाइव देख सकते हो। ठीक ना, अभी आगे की बात मैं आपको करके दिखाता हूँ कि एक ये 3 वोल्ट शो कर रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांस हो गया कि ये सच में यार रिपेयर हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा चांस है। ठीक ना, तो एम्पियर बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, मैंने ये चेक भी कर लिया है। ठीक ना, मतलब ये वोल्ट दे रहा है लेकिन एम्पियर नहीं दे रहा। तो यहाँ पर मैं आपको एम्पियर भी इसके तभी बढ़ेंगे जब हम इसको अच्छे से रिपेयर करेंगे। वोल्ट बढ़ रहे हैं, एम्पियर भी बढ़ जाएंगे, एम्पियर किस तरीके से बढ़ेंगे वो भी आपको देखना पड़ेगा, लेकिन हल्का मतलब आप 500 मिली एम्पियर सोच सकते हो कि ये लगभग 5 एम्पियर की बैटरी है, और
आप सोच सकते हो जो 500 मिली एम्पीयर दे रही है तो कितना कम से कम ये पावर दे रही है, ठीक है ना। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इसको रिपेयर करना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि हमने एक बोतल ले ली है, 2 लीटर की ले ली है, ठीक है ना। वहाँ पर ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले सकते हो, घर पे आसानी से मिल जाएगी। ऊपर मैंने कोल्ड्रिंक गार्डन से होल्ड कर दी कुछ इस तरीके का, जो होल्डिंग आपने इस तरीके से करना कि ये जो पाइप है ना लेबर वाली पाइप जो कि आप, तो वो ये बिल्कुल एयर लीक ना करे, अच्छे से इसके अंदर फंसा देनी। और जो आपकी इन्वर्टर वाली बैटरी अगर घर पर है तो ठीक है, नहीं तो जाकर दुकान जहाँ पर बैटरी मिलती है इन्वर्टर की, तो वहाँ से आपको 20 रुपये की बोतल मिल जाएगी, फिर आपकी 20 लीटर की भरी हुई। लेकिन मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, तो हम इस तरीके के जुगाड़ से निकाल लेंगे। देखिए अब जैसे आप प्रेस करके इसको छोड़ेगी, देखिए मैंने प्रेस किया और इसको छोड़ा तो ये पानी खींचता है, ठीक है ना, ये तेजाब खींच रहा है, पानी नहीं खींच रहा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपने कर लेना है, लगभग मैं ले लूँगा, आप सोच सकते हो ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको दिखा दूँगा कि कितना मतलब मैं ले रहा हूँ। तो आपको 1 लीटर छोड़िए 1.5 लीटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना, काफ़ी कम ही। आप सोच सकते हो कि ये काफ़ी कम आपका पानी निकलेगा, ठीक है ना। और ये हमने ले आए हैं और जो बोतल काफ़ी हीट हुई पड़ी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बोतल को आप देख लीजिए, काफ़ी गर्म हो चुकी है, इतना सा मैंने पानी लिया है, तेजाब है, पानी नहीं है, तेजाब है, ठीक है ना। तो वो रिपेयर करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं इसकी पाइप जो है वो हटा लूँगा, लेकिन हीट काफ़ी है और प्लीज़ यह सावधानी से करना। ये मैंने हटा दी इसकी पाइप, अभी हम ले आते हैं अपनी बैटरी को जो कि हमने साफ ओपन करके 3 वोल्ट शो करी थी, याद रखना, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, थोड़ा कैमरा पास ले आओ यार, कुछ दिख जाए ऑडियंस को। तो ये हमने देखिए कि इस तरीके से पानी डालना है इसके शेदों में, ठीक है ना। देखिए मेरे हाथ पे गया ना अभी आपके सामने, यहाँ पर मैं अपना हाथ साइड में रख लेता हूँ और कपड़े से साफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसमें भी डाल देता हूँ, सब में डाल देता हूँ और इसको अच्छे से भर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए वीडियो 11 मिनट की ही बनेगी, ज़्यादा नहीं बनेगी, तो आप देख लेना यार, ठीक है ना। चार्ज करने के बाद अगर हो सके थोड़ा सा मैं ऐड कर लूँगा क्लिप, क्योंकि ज़रूरी भी तो है ना कि आपको इसका प्रूफ दिखाएं। इसको हिलाते जाना है कि पानी अंदर चला जाए, इस तरीके की बैटरी में अच्छे से पानी अंदर नहीं जाता। प्लीज़ यार आप सिरिंज का यूज़ कर लेना, ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा यार। लेकिन अगर इस तरीके से यूज़ करोगे, जुगाड़ से पैसे बचाने तो कर सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जैसे मैंने इसका कैप निकाला रबड़ का, तो इसमें काफ़ी अच्छे से पानी अंदर गया, यानी कि वो एयर है, एयर को ब्लॉक करता है वो वाला, तो हमने उसको उतार देना और ये 7 या 6 शेड होंगे जिसमें हमने इसको डालना है तेजाब को, ठीक है ना। देखिए हल्के हल्के बबल आ रहे हैं, लेकिन इतना जल्दी ये अंदर जाएगा नहीं, तो हमें जहाँ पर उसकी जुगाड़ करना होगा। तो इस तरीके से पेचकस से लेकर इसके साइड में होल होता है, तो आगे पीछे करना है इस पेचकस को, ठीक है ना। जैसे कि पंप दे रहे हैं हम इसको, तो ये सारा पानी इसके अंदर चला जाएगा, आसानी से चला जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी आपकी नहीं होगी। तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो, देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे सिलाई मशीन की सुई आगे पीछे होती है ना, वैसे ही ये चार्ज करना पड़ेगा। तो ये हम तो यहाँ पर ये तेजाब इसके अंदर चला गया है। अभी आपने क्या करना है, एक इस तरीके का कागज़ का टुकड़ा ले लेना, ठीक है ना, और इसके हिसाब से यहाँ पे इसको रख लेना, ठीक है ना। यहाँ पर कार्बन लगी है, तो हम पेट्रोल के हद से पहले यहाँ पर पेट्रोल लगा लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद इस तरीके से ब्रश से इसके साथ। चार्जर भी चाहिए होगा, चाहे तो आप इन्वर्टर से दोनों वायर लगा लेना, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन वो सेफ नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि खतरा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तक रहता है, इसलिए हम ले आए हैं जे। तो ये आखिर है क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है 10 एम्पीयर का 12 वोल्ट बैटरी चार्जर, जो कि एक गाड़ी की बैटरी को भी चार्ज कर सकता है कार की, ठीक है। तो ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव है जैसे कि आप देख सकते हो, और ये हमारी मेन वायर, इसको हम अपने प्लग में लगा देंगे और बाकी का आपको बाद में दिखा देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको प्लग इन कर दिया, आप एक देखना कि इसकी मतलब पावर देखना आप, आप देख सकते हो कितनी चिंगेड़ी। तो ये एक ब्लैक टेप यानी कि इसको माइनस में लगा देंगे हम,
और ये अपना पॉजिटिव और इसको पॉजिटिव में लगाने से पहले आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ कि चेक क्या करना है आपने। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि क्या हमारी बैटरी में पावर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो यहाँ पर आप इसको भी लगा देना, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल एकदम बैलेंस चार्ज हो रहा है। 12 वाट की बैटरी है और ये लगभग हमें कितने देखने को मिल रहे हैं, लगभग 18 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं, यानी कि काफ़ी अच्छे से ये बैटरी चार्ज हो रही है। तो हम इसको लगभग इसको उतार के देखने वाले हैं। तो ये हमारी फर्स्ट क्लिप उतारी, ये सेकंड, ठीक है ना। और जो वही हीट काफ़ी हो गई यार, हीट सच में काफ़ी हो गई, ठीक है ना। तो मेरे पास टेम्परेचर मीटर तो है नहीं, मैंने कुछ ऑर्डर किया है अमेजोन से, 2 हफ्ते तक मिल जाएगा मुझको, ठीक है ना। क्योंकि पैसे अभी मैंने सिर्फ कार्ट बनाया उसका, तो वो परचेस कर लूँगा, सारा सामान काफ़ी कुछ परचेस करना है। तो इसको सबसे पहले एम्पियर मोड से हटा के वोल्टेज मोड पे रख लेते हैं। और इसको यहाँ पे रख के इसको 20 वोल्ट पे ही सेट कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये है इसकी रेड प्रोब, ठीक है ना। और ये हम यहाँ पर लगा देंगे। और ये हमारी रही नेगेटिव प्रोब, कितने वोल्टेज शो कर रहा था पहले, 3 वोल्ट। अभी देखिए लगभग 11 वोल्ट